अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाखर अली, आप देख रहे हैं सफीर न्यूज़ खानका में। तो दर्स भी मैं दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड आने से पहले भी मैं देता था, आज तक भी मैं रोज़ शाम में कुरान की क्लास लेता हूँ, तर्जुमा सिखाता हूँ और तसव्वुफ़ का दर्स देता हूँ, और जो है मैं लंगर चला रहा हूँ। अब मेरे को पुलिस आके आ जाके बोल रही, वो मेरे आदमी को, पकाने वाले आदमी को बुला के बोल रही, वो डेरे गई को डाले, वहाँ नहीं खिलाना तुम खाना, वहाँ नहीं पकाना खाना, हम 350-300 बरस से यहाँ रह रहे, वहीं पकाते हुए आ रहे, वहीं से पक रहा, पूरे जायरीन वहीं पकाते, अब इन जायरीन को भी रोक देंगे खाना पकाने से, नियाज करने से, ज्यारत करने से, उसके वास्ते क्या कुछ पैसे मांग रहे हो? उन्हों क्या मांगना चाह रहे वकबोट, क्या बोलना चाह रही, खुल के भी नहीं बोल रहे वकबोट वाले, नहीं आप हटा दिए, आप नहीं आना। अच्छा नियाना भाई, मेरा आपके एक्ट के लिहाज से मैं सज्जादगी प्रिजर्व है ना, उसके बाद क्या करें, ये इंस्पेक्टर साहब एक झूठा केस बयान कौन की जाके वो मुतवली उतवली सिखा के केस कराने लगा है, तो वो बच्चा जाके बोला मेरे को मारे एक्सटॉर्शन करे, बोल के एक्सटॉर्शन का नॉन अवेलेबल वो लगा के मेरे पे करके एक झूठा केस बयान करे, वो बच्चा मेरे पास 17-16 साल काम करा सो बच्चा है, वो उन्हें सब अम्मा बाबा पीछे पड़े तो नहीं बाबा मैं नहीं केस करता हूँ बोल के वापिस ले लिया। हाई कोर्ट में उसका मुकदमा दाखिल हुआ, कॉम्प्रोमाइज भी दाखिल हो गया, धोने के बावजूद पुलिस को मालूम होने के बावजूद नहीं वो बोले आपको कॉपी नहीं आई, क्या की नहीं आई, हम अरेस्ट कर लेते, हम इनको उठा लेते। अब वो सिर्फ जो है वो मुतवली के बिना पे जो उसकी इशारे पे जो है उन लगा मेरे को उर्स में आने से रोकना चाह रहे, मेरे को ज्यारत नहीं कर, क्योंकि उन खानों 7-8-9 को उर्स है और फुकरा जो है यहाँ पे एक रिवायती तौर पे जो है हमेशा आते हैं, हमेशा देखिए आप ये 300 बरस से रिवाज चल रहा, इन लोग कहाँ कहाँ से आए, देखिए पूरे फुकरा आए, गाँव से आए हुए, वहाँ से आए हुए, इन लोगों से आके बदतमीजी कर रहे, पुलिस वाले आके बदतमीजी कर रहे, उन लोग आप क्रिमिनल्स है क्या, बोलिए आप। और ये पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल मेरे को समझ में ही नहीं आया, सब में पहले तो आके जो है गरीबों को भीख मांगने वालों को दरगाह में पकड़ रहे, उन लोग अरे चोरी करके जा रहे लोग, इतने चोरा बैठे हुए दरगाह में उनको छोड़ दे रहे, तो गरीबों को भीख मांगने वालों को जिसके भीख मांगे बगैर भी सर्वाइवल का कोई जरिया नहीं, उन्हें बैठे सो जगह बुढ़ी हग ले रही पूत ले रही। तो मैं वो सर्कल को बोला तुम गरीबा रहे तो यहाँ भिजा दो, मैं घर में रख लेता हूँ, बारिशों में कहाँ जाते हो, बारिशों का मौसम है, गरीबा मर रही बुढ़ी कहाँ जाएंगी साहब, उसको कहीं पकड़ ले आप, मेरे पास भिजा दो बोला मैं बोला इतने बड़े बड़े नली अम्बानी उन्हों तुम्हारे मिनिस्टर आ कौन से की स्कैमा कर रहे करोड़ों रुपये चुरा रहे, नहीं उन लोगों को छोड़ दिए तुम, और रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देखो सब में ज्यादा करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट है इंडिया। सब ये 7-8-9 को जो उर्से शरीफ का मामला है तो इसके अंदर आपका क्या रहेंगे, आप रहेंगे उसमें? जी हाँ मैं शरीक नहीं हूँगा, मेरे को बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर कि आप आम आदमी के जैसा जाना, तो मैं बोला हाँ आम आदमी के जैसा जाता हूँ मैं, परसों आके मेरे को घर को जाने से रोक दिए, अब हाउस अरेस्ट बोले झूठ, फिर नीचे उतर के प्रेस को बोला नहीं मैं हाउस अरेस्ट नहीं करा, मैं उनको रुकाने को बोला, कहीं को रुका रहे तुम, मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ बोले तो मेरे को नहीं रुका, ये मैं मेरी अम्मा बीमार है मिलने जाता हूँ बोले तो नहीं जाना बोल रहा हूँ, अम्मा को बुलाना कहते मैं यहाँ, ये कौन से कानून के तहत बात कर रहा हूँ, पूछना आप लोग भी इंस्पेक्टर से जाके ये कौन सा लॉ बात कर रहा, तू कहाँ से बात कर रहा है, बता किताब बता, लॉ बता, चिट्ठी बता। मैं बोला अच्छा वकबोर्ड नियाने देना बोल, नियाना बोल रहा ना, नहीं वकबोर्ड बोल रहा तो हम बोल रहे सर, अच्छा वकबोर्ड नियाना बोल रहा ना, लेटर बताओ वकबोर्ड का, आप पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार आदमी है, जमानी जमा कर पे चलाते क्या पूरा, वो भी हमारे वास्ते सिर्फ, नहीं हमको हैरास करते जा रहे आप, हमारे काम करने वालों को हैरास कर रहे, हमारे मेहमान जो बाहर से आए वो सरकारी सुपैन के दरगाह के मेहमान है, नहीं वो दरगाह के मेहमानों के साथ बदतमीजी कर रहे, उनको डरा के भगा दिया, उसमें 4-6 आदमी मासूम बच्चे भाग के चले गए, उन्होंने ये जुल्म कर दे रहे ना आप, बोलिए कोई लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं है क्या चंद्रशेखर साहब की हुकूमत में, जिसको चाहे जो चाहे बोल दो, जिसको चाहे मुजरिम बना दो, जिसको चाहे सौकार बना दो, चोरों को सौकार बना रहे, सौकारों को चोर बना रहे, साल से खिदमत अंजाम दे रहे आप और आपके, मेरी ये 9वीं पुश्त है, 9th जनरेशन है मेरा, मेरे पहले सरकारी सुफैन के जो मुरीद और खलीफा जो खादिम गुलाम थे उनका नाम था शेख अब्दुलसलाम, उनके बेटे शेख यूसुफ, उनके बेटे शेख मोहम्मद बाकर, उनके बेटे अब्दुल गनी, उनके बेटे रहमत अली शाह, उनके बेटे बरकत अली शाह, उनके बेटे करामत अली शाह, मोहसिन अली शाह, मैं फैसल अली शाह, 9वीं पुश्त है मेरी,
300 बरस से खिदमत कर रहे हम लोग, और मेरे पास पहला डॉक्यूमेंट मुगल पीरियड का है, मुबारिस खां सूबेदार का फैसला है कि ये दरगाह से इन लोगों का ही ताल्लुक़ है, ये दरगाह इन लोगों की चाहे इन लोगों ही सौंप करते हैं, इन लोगों के हकदार है, बल्कि मुबारिस खां फैसला करे। वो फैसले की आसिफ जहा अव्वल जब जो है सुबह सिपे सालार बन के आए थे दखन को, उन्होंने तस्दीक करे वो डॉक्यूमेंट की। उसके बाद आसिफ जहा दुआम मेरे जद को उनके बेटे को जो है शेख यूसुफ को नज़र दिए, सो फरमान है हमारे मुतवली होने का। हर मेरे जितने जनरेशन गुजरे, हर जनरेशन के ज़माने में जो भी बादशाह था उसका सदाकत नामा है। अब आप ये जो है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये किसको मुतालबा कर रहे हैं? अभी हुकूमत से कर रहे हैं या पुलिस को कर रहे हैं, किसके लिए जो है? नहीं, मैं तो अल्लाह रसूल से मुतालबा करने वाला हूँ, मेरे मुतालबा मैं हुकूमत से कर रहा हूँ ना किसी ने। हुकूमत को देखना चाहिए ना साहब, हुकूमत का काम है ना ये, तो हुकूमत भी देखना चाहिए। मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ हुकूमत को, मुतालबा तो मेरी अल्लाह से है, रसूल से है, उन लोग मदद करेंगे मेरी। कौन पुलिस क्या करती, हुकूमत क्या कर सकती, अल्लाह रसूल के सामने उनको जो मंजूर है, मेरे को मंजूर है, मैं उस पर मंजूर हूँ, समझ गया ना। उनको करने दो, उन्हें गर्दन काटने दो, मेरे को सरकारी सुफैन के उन्होंने संदल में शरीक होने से तो नहीं रोक सकते। अब उन्होंने बोलता तुम सेलिब्रिटी है, तुम बाहर निकले तो 2 लाख आदमी जमा होते, तो मैं बोला मेरी मैयत निकले तो भी 4 लाख आदमी जमा होते। जब किसको पकड़ेगा तो मेरी मैयत को पकड़ता, आवाम को पकड़ता, मैयत में शरीक होने वालों को पकड़ता, किस पे केस करेगा तू? नहीं, वो लोअर कोर्ट का पैसा हट के हाई कोर्ट को काट दिया। मैं बोला अपना पैसे ऐसे कैसा बने अपना सर्कल तुम, मैं बोला एग्जाम पास करे क्वालिफिकेशन नहीं, इधर उधर रिगे से आ गए सोए तुम, नहीं रिगे लगा के आ गए, तो इसलिए कानून नहीं मालूम रहता हो पुलिस वालों को, वैसे बातें कर रहे तुम, बोला मैं। क्या बोलेंगे, बोलिए आप। मैं शिवचंद्रा हबीबनगर इंस्पेक्टर, मैं उरस चल रहा है यूसुफ़ैन दरगाह में। सुबह परसों दिन ऐसा उर्स चल रहा है, आफ्टरनून 7th का दिन सुबह 12 बजे से शाम तक रात तक ऐसा चलते हो, तो पब्लिक ज़्यादा अटेंड करने के लिए वो संदल क्वेश्चन भी आते, वो संदल क्वेश्चन टच करने के लिए ज़्यादा पब्लिक आ जाते, इसलिए बंदोबस्त करने का मैं पूरा अरेंजमेंट्स कर दिए, पूरा बंदोबस्त भी प्लान कर दिए। तो ट्रैफिक भी ऐसा तकलीफ किसको भी नहीं देना, उसके लिए ट्रैफिक एंगल भी ऐसा बंदोबस्त पूरा कर दिए। सब वहाँ पर दरगाह के जो सज्जादियाँ हैं उनके ऐसे कुछ पाबंदी वगैरह है कैसे? उनका पाबंदी नहीं है, उनका ऊपर में एक FIR आई, वो FIR अभी उन्होंने स्टाम्प पेपर में, काली स्टाम्प पेपर में साइन लिया, एक मेराज बोल के एक कंप्लेंट लेके आया, कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में, FIR कर दिए। वो FIR है मेरा पुलिस स्टेशन में, अभी तक उन्होंने भी नहीं मिला। ये केस का एक्यूज्ड है वो है। उनकी कुछ शिकायत है कि दरगाह में आने जाने के लिए पाबंदी के हबीबनगर ऐसा करने का किसको भी ऐसा पावर नहीं, और आने वाले आने को जाने को ऐसा उनका पावर है, उनको किधर भी जाने का परमिशन है। पाबंदी मई कैसा करते हैं ऐसा, उनका सिविलियन है, उन्होंने भी ऐसे ही आके उन्होंने भी नमाज कर लेते, उन्होंने भी वो उर्स में पार्टिसिपेट करते, मैं ऐसा पाबंद नहीं करते किसको भी। नहीं, आने वाले जो बाहर से जो फुरफान से जो लोगों के ऊपर भी कुछ पाबंदी है या नहीं आना बोल के? ये ऐसा कुछ भी नहीं है जी, आने का जाने का मैं मेरा पाबंदी नहीं करे, पाबंदी करने का चांसेस भी नहीं है। वो मेरा पुलिस में एक केस है, उसके लिए एक बार आके वो केस क्लियर करे तो हो जाते, वो एक कोर्ट में वो बेल लिए तो हो जाते वो काम, उन्होंने ऐसा दिख रहा नहीं। उन्होंने वो 384 लगा दे, एक्सटॉर्शन करे उन्होंने स्टाम्प पेपर्स में, काली स्टाम्प पेपर, मेराज बोल के आदमी है,
एक्सटर्शन ऐसा स्टाम्प पेपर काली स्टाम्प पेपर में साइन लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाखर अली, आप देख रहे हैं सफ़ीर न्यूज़।